फिल्म वेलकम टू कराची से इरफान खान ने जब से वॉकआउट किया है, इस फिल्म को लेकर एक के बाद एक कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले फिल्म के प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने इरफान को अनप्रोफेशनल बताया, वहीं इरफान ने बताया था कि क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने फिल्म को छोड़ा है। और अब सुनने में आया है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में फिल्म के सेकंड लीड अरशद वारसी भी शामिल हो गए हैं। दरअसल अरशद इरफान से नाराज है। सोर्सेज की माने तो जब अरशद को ये फिल्म ऑफर की गई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि इस फिल्म में उनके साथ इरफान खान नजर आएंगे और अरशद के अकॉर्डिंग फिल्म के लिए यही कास्टिंग बेस्ट थी। लेकिन अब जबकि इरफान खान ने इस फिल्म से वॉकआउट कर लिया है, ऐसे में अरशद चीटेड फील कर रहे हैं। वैसे इरफान खान का इस पूरे मामले में यही कहना है कि उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से इस फिल्म को करने से इनकार किया है। ऐसे में उनके फिल्म ना करने के फैसले को किसी और चीज से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वेल, इस फिल्म की शूटिंग लंदन में शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि इरफान खान के बिना ये फिल्म किस हद तक सक्सेसफुल हो पाती है। फॉर रुद्राणी चटुराज, जूम मुंबई।